ओके सो वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम, सबका स्वागत है। गुड इवनिंग एंड वेलकम। अकेले प्रोग्राम में सबका मैं स्वागत करता हूँ। यस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, मनीष सेठी मेरे साथ में है और हम आज का प्रोग्राम लीड करेंगे आपके लिए। सबके लिए बता रहा हूँ मैं कि आज का जो टॉपिक है ना, प्यार और आत्मीयता, ये टॉपिक एक्चुअली पूरे 30 घंटे का है, 30 आवर्स। मतलब इसके बारे में बात करेंगे तो 30 घंटे भी कम पड़ेंगे, ऐसा टॉपिक है ये। मतलब जो मैं लीड करता हूँ तो करीब करीब उसको 30 घंटे लगते हैं, और हम जो है लीड करते हैं वो 3 3 घंटे के, ऐसे हर हफ्ते में 3 घंटे, हर हफ्ते में 3 घंटे, ऐसे 10 हफ्ते में लीड कर, 10 सेशंस। अब वो मुझे 1 घंटे में कैसा करना कवर, ये समझ में नहीं आ रहा। तो 1 घंटे में कैसा कवर करूं मैं, तो 30 घंटे वाला कार्यक्रम 1 घंटे में कैसा कवर करना है, तो उसकी मैं झलक आपको देने वाला हूँ। एक झलक, तो ये होता क्या है, आपको सबको बताऊंगा कि हम अबंडेंस, इनोवेटिव एजुकेशन इसके तरफ से ये हर गुरुवार को ये प्रोग्राम लेते हैं, और हमारा मकसद है कि भाई पूरा देश, पूरी दुनिया स्ट्रेस फ्री हो जाए, तनाव मुक्त हो जाए, और तनाव मुक्त होकर अपना जीवन जिए। सबको एनेबल करना, एम्पावर करना, और उन्हें अपना अपना लाइफ पावरफुली जीना, ये उद्देश्य है। और आपको पता है कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम से लोगों की मानसिक बीमारियां एक तो आएंगी नहीं, आएंगी तो कम हो जाएगी। तो इसलिए प्रोग्राम हम करते रहते हैं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तनाव मुक्ति में रिश्ते जो है ना वो बहुत महत्व के है, प्यार जो है वो बहुत महत्व का रहता है। इसलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया हुआ है कि भाई प्यार कितना महत्व का है रिश्तों में, आत्मीयता कितनी महत्व की है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। रिश्ते में यदि रिश्ते आपके अच्छे रहे तो तनाव मुक्ति कैसी हो सकती है, तनाव कैसे कम हो सकता है। आपने देखा होगा कि अपने मन में कुछ ऐसी ऐसे दुख है या कोई विचार है, हम किसी से बात करते हैं तो हमको हल्का लगता है, मन को अच्छा लगता है, ठीक लगता है। हम बोलते कि भाई हम दुखी है तो किसी के साथ में शेयर करो तो अपने अपने को अच्छा लगेगा। हम शेयर करते हैं लोगों के साथ में, लोग प्यार से सुनते हैं, और हम वही लोगों के साथ में शेयर करते हैं जो लोग हमको क्रॉस नहीं करेंगे, जो लोग हमको उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे, जब हमको प्यार से सुन लेंगे, उनके साथ में शेयर करने के लिए मुझे अच्छा लगता है। तो उनके साथ में शेयर करूंगा क्योंकि मुझे वो समझ लेंगे कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि अपना वीडियो चालू रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा, वीडियो चालू रखते तो अच्छा रहेगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, मनीष सेठी है उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई आपके साथ में हम इंटरेक्शन अच्छी तरह से कर सकेंगे। हमारी एक लीडर है सरिता फ्रॉम गोंदिया, वो देखो वो ड्यूटी पे होंगी शायद ना सरिता, और तभी भी वो वीडियो ऑन करके बैठी है, ताकि उसको पता है कि भाई वीडियो ऑन करेंगे तो शायद अच्छा इंटरेक्शन होता है, बातचीत अच्छी होती है, और थोड़ा रिलेटेडनेस उतना अच्छा बढ़ता है। एनीवे, तो होता क्या है कि मैं कुछ पहले क्रिएट करता हूँ, बाद में आपको कुछ बताऊंगा। होता क्या है कि हम एक तो पास्ट में रहते हैं, अतीत में रहते हैं, और अतीत के विचार हमको आते रहते हैं क्योंकि हमारे पास में बहुत बड़ी मेमोरी बैंक है अतीत के विचारों की। जो भी हमको इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है बचपन से लेके अभी तक, वो इन्फॉर्मेशन पूरी स्टोर की है, और वो जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है मेमोरी बैंक, वहां से हमको विचार आते रहते हैं, फायरिंग होता है न्यूरॉन्स का, अनसंड विचार आएंगे, फायरिंग होते जाएगा, ऑटोमेटिक विचार आते जाएंगे, और हमारा जो ब्रेन है सबकॉन्शियस माइंड वो ऑटो पायलट पे चले जाता है, और वो हमारा पूरा पास्ट है, और हमको वो सताते रहता है पास्ट। फिर दूसरा यह है कि हमारी कुछ वासनाएं हैं, वासना, अब उसको वासना बोलो, उसको डिजायर बोलो,
उसको रिजल्ट बोलो, उसको इंटेंशन बोलो, जो भी कुछ बोलेंगे आप, मैं वासना इसलिए बोलता हूँ कि हमारे ये चाहत बोलो, जो भी कुछ है, तो वो हमको है और वो हमारा हमको ले जाके फ्यूचर, क्योंकि तो मुझे अभी कुछ तो भी वांट है, मुझे कुछ तो भी चाहिए, वो कब चाहिए, अभी तो नहीं है, अभी तो मेरे पास में, तो मैं अभी लीड कर रहा हूँ, अभी मैं आपके साथ में हूँ और अभी मैं लीड कर रहा हूँ, और मुझे चाहिए मर्सिडीज, तो मर्सिडीज कब चाहिए, फ्यूचर के लिए, अभी नहीं है, मर्सिडीज होना है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मर्सिडीज मुझे आनंद देगी, या मुझे बंगला चाहिए, कब, अभी नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो मैं लीड कर रहा हूँ, मगर दिमाग में वो है कि मुझे फ्यूचर में बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, फॉरेन टूर करना है, ये करना, वो करना, कई मतलब हमारी डिजायर्स जो है, इच्छाएं जो है, वॉन्ट्स जो है, वो करती है हमारा क्रिएट फ्यूचर, पर वो प्रॉब्लमेटिक है, यदि हमको डिजायर ही नहीं रहे ना, कोई वांट ही नहीं रही, कोई वासना रही नहीं, तो फिर क्या होगा, कुछ कर रहे ही नहीं आगे। और पास्ट, हमको ये पता चला कि पास्ट पास्ट है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते पास्ट के बारे में, वो हो गया है, खत्म, एंड। अब वो पास्ट जो है वो हो गया है, और मेरे पास में अभी डिजायर ही नहीं है, कोई वासना ही नहीं है, कोई मुझे करना ही नहीं है, जो है वो ठीक है। तो जब पास्ट नहीं है और फ्यूचर मैंने तैयार किया नहीं है, तो मैं बिल्कुल आराम से प्रेजेंट में जी सकता और प्रेजेंट में रहता, और प्रेजेंट में खुशी है, प्रेजेंट में आनंद है, प्रेजेंट में मजा है। पास्ट से हम दुखी होते हैं, अरे वो वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, फलाना धमाका डिकरा, चालू 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 रहता है। और नहीं तो मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घूमना है फिरना है, ये चाहिए वो चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, धंधा अच्छा बढ़ना चाहिए, पैसा चाहिए 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 चाहिए, तो वो डिजायर क्रिएट करता है, वो करता है आगे के लिए। मतलब अभी मैं क्या हूँ, अभी मेरे में कुछ से भी कमी है, अभी जो है उसमें मैं खुश नहीं हूँ, और मुझे चाहिए आगे के लिए, और मैं दुखी हूँ। जब आगे कुछ भी नहीं है तो मैं प्रेजेंट में रहूँ। मैं आपको बताता हूँ, विंसेंट वॉक करके एक बहुत ही बड़ा पेंटर था, और वो जो है बहुत ही बढ़िया, मतलब उसके पेंटिंग अभी भी मिलते हैं, और उस जमाने में उसके पेंटिंग जैसा कोई भी आदमी शुरू करता है ना, तो उसको कुछ मिलता नहीं, कोई उसको गिराक नहीं मिलता, कुछ नहीं होते रहता, शुरू में कोई कीमत नहीं रहती उसको। उस समय बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग निकलता था और उसको कोई गिराक ही नहीं थे। तो उसका जो सगा भाई था, बोले ये अपना भाई जो है वो इतने अच्छे अच्छे पेंटिंग निकाल रहा है, वो भले लोगों को पसंद नहीं आ रहे, कोई गिराक नहीं मिल रहा है, तो इसका भाई क्या करता है, एक आदमी को पैसे देता है और बोलता है तू ऐसा कर कि तू जा और उसका एक पेंटिंग खरीद ली, उसको अच्छा लगे, कोई तो भी तो गिराक आया, किसने तभी तो खरीद लिया भाई, उसको अच्छा लगे, तो इसलिए उसको भाई एक आदमी को वो भेजता है। अब वो आदमी क्या है, वो आदमी तो मतलब भाड़े से किराए से लिया हुआ आदमी है, उसको तो कोई पड़ी नहीं है पेंटिंग की। वो वहां जाता है, बोलता है बताओ पेंटिंग, उसको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, कुछ नहीं, उसको तो पेड़ आदमी है। वो गया, उसने कहा चलो ये निकालो पेंटिंग, कितने कीमत है, चलो इतना पैसा दे। जब पैसा देने लगा तो विंसेंट वॉक बोले मुझे पैसा नहीं होना है, मुझे बेचना ही नहीं। बोले मैं आपको नक्की बताता हूँ कि तुमको मेरे भाई ने भेजा हूं, और मेरे तसल्ली के लिए भेजा हूं, मुझे ऐसा गिराक चाहिए नहीं। तो ये सुनकर फिर उसका भाई उसको मिलने आया, बोलता है मैं तेरे को गिराक भेजा, तेरे को अच्छा लगेगा, अपना एक पेंटिंग बिके जा रहा है, तेरे को अच्छा लगेगा बिकने के बाद में, इसलिए मैं तेरे को ये तेरे अच्छे के लिए किया, तो तूने उसको वापस क्यों किया। बोलता मैंने पेंटिंग जो किया वो मुझे कुछ अप्रिशिएशन मिलेगा, कुछ वाहवा मिलेगी, बेचा जाएगा, पैसा मिलेगा, उसके लिए किया ही नहीं। मैंने पेंटिंग पेंटिंग के लिए किया है, उसमें मुझे बहुत मजा आती है करके किया है, मैं उसमें हूं, जब मैं पेंटिंग कर रहा हूं तो मैं पेंटिंग में हूं, मुझे कोई चाहते नहीं कि भाई ये पेंटिंग बिका जाएगा, ये पेंटिंग को वाहवा मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे जो मिलना था, जो आप देना चाहते थे पैसे के रूप में, वो तो मेरे को पहले मिल चुका है, जब मैंने पेंटिंग किया तभी मेरे को सब कुछ मिल चुका है, मुझे भी कोई चाहिए नहीं, और कुछ चाहिए नहीं मतलब आनंद, आखिर क्या है कि पैसा मिलने के बाद में हमको आनंद मिलता है,
पैसा क्यों मिलने वाला, मेरे को लगता है कि अभी ये खरीद, मेरे को सब आनंद तो मेरे को पहले से है, क्योंकि मैं जब पेंटिंग कर रहा था मेरे को आनंद, पेंटिंग कर रहा था मेरे को मजा आ रही। कहने का मतलब ऐसा है कि हम जो करते हैं उसमें यदि हम प्रेजेंट में रहते हैं, मजा करते हैं, आनंद लेते हैं, वो किसी के लिए कुछ तो भी नहीं है, मतलब और किसके लिए नहीं कर रहे। जैसा अभी मैं आपके साथ में लीड कर रहा हूं, तो मैं कुछ किसी के लिए नहीं कर रहा हूं कि भाई मुझे ये चाहिए करके नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये इसमें मुझे मजा है, मैं जो दे रहा हूं उसमें मुझे अच्छा लगता है, तो भाई मैं एक घंटे में दुनिया के लोगों में कुछ ना कुछ फर्क कर रहा हूं। जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होगा शायद, हमारे ये प्रोग्राम में अमेरिका से भी लोग जुड़ते हैं, पूरे इंडिया भर से लोग जुड़ते हैं, अशोक मिश्रा जी है ना, मतलब काफी दूर दूर से, बहुत दूर से, मतलब पूरे इंडिया भर से लोग आते रहते हैं और वो इसका फायदा लेते रहते हैं। हमको लगता है कि नहीं सबको फायदा होना चाहिए, तो मुझे कुछ मिलना है करके नहीं, मुझे इसमें ही आनंद, ये जो कर रहा है इसमें आनंद खुशी है, बीइंग प्रेजेंट टू द प्रेजेंट। तो ये यदि आप कर पाएंगे ना, पास्ट है क्योंकि वो मेमोरी बैग है, पास्ट के जो विचार आ रहे हैं आप ये समझ के चलो कि वो जस्ट फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स है, जस्ट न्यूरॉन फायर हो रहे हैं, खड़खड़ खड़खड़ खड़ ज्यादा विज्ञान का कड़कड़ाहट होता है ना, बिजली क्या बोलते हैं हिंदी में, विज्ञान का कड़कड़ाहट, बिजली गिरने की आवाज आती है ना, बादल बरसते हैं, गरजते हैं, बस तो ऐसा खड़खड़ 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 दिमाग में हो रहा है और थॉट्स आ रहे हैं ऑटोमेटिक, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं, तो क्या करेंगे पास्ट? फ्यूचर हमारी डिजायर है जो पूरी कभी होने वाली नहीं है, क्योंकि एक डिजायर पूरी होगी, दूसरी दूसरी होगी, तीसरी तीसरी होगी, चौथी चालू है चालू है चालू है, तो फिर अभी ये इसको प्रेजेंट आप हो जाएंगे, तो आप प्रेजेंट में रहिए और उसका आनंद लें, प्यार से रह सकेंगे, आत्मीयता से रह सकेंगे। क्योंकि मैं जब किशोर पारडकर जी से बात कर रहा हूं तो मैं किशोर पारडकर जी से ही बात कर रहा हूं, मैं मनीष सेठी से बात कर रहा हूँ तो मनीष सेठी जी से बात कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं खाना ही खा रहा हूँ, मैं स्नान कर रहा हूँ तो मैं स्नान कर रहा हूँ, और मैं शांति से बैठा हूँ तो मैं शांति से बैठा हूँ। क्या होता है कि हमारी एनर्जी जो है वो खलास कहाँ होती है, एनर्जी बहुत थके हुए हमको क्यों लगता है, क्योंकि जब मैं कुछ काम कर रहा हूँ मेरे दिमाग में और कुछ विचार चालू है, मेरे दिमाग में और कुछ सभी चालू है, तो मेरी एनर्जी दो जगह चालू है, एक मैं आपसे बात कर रहा हूँ वहां चालू है और एक दूसरी चालू है, तो दो दो जगह जब मेरी एनर्जी जाएंगी तो मैं थक जाऊंगा। जब मैं 100% एक जगह पे हूँ, 100% एक जगह पे, पूरा कॉन्सेंट्रेशन देना एक जगह पे, तो सवाल ही नहीं आप थकने का। लोग बोलते हैं आप थकते कैसे, नहीं थकते इसलिए नहीं कि बस प्रेजेंट टू द प्रेजेंट, अभी मैं आपके साथ में हूं तो आपके साथ में, मुझे मालूम है कि मुझे मेकिंग ए डिफरेंस करना है आपके जीवन में, तो मेकिंग ए डिफरेंस करना है, आपके साथ में रहना है, आपके जीवन में फर्क करना है, तो वो मैं कर रहा हूं। तो ये जो है ये प्रेजेंट में रह सकेंगे, और हम लव जब बोलते हैं, लव तो लव किसको बोलते हैं, लव उसको बोलते हैं कि एक्सेप्टिंग द पर्सन द वे ही इज एंड द वे ही इज नॉट, अनकंडीशनली, अनकंडीशनली एक्सेप्टिंग द पर्सन द वे ही इज एंड द वे इज नॉट, मतलब मेरा जैसा, जो व्यक्ति जैसा है वैसा है और जैसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं वो व्यक्ति का स्वीकार कर रहा हूं, कुछ भी कंडीशन नहीं है, तो बोलते उसको प्यार, उसको बोलते प्यार। आज एक मेरे पास में एक लेडी आई, महिला आई, उसका बेटा करीब करीब 26 साल का है, शादी अभी होने की है, वो दिमाग से खराब हो चुका है, पागल है, मेंटली उसको अटैक आते हैं, वायलेंस बहुत ही वायलेंट होता है, और वो बोले मेरे को कल इसने इतना मारा, अचानक वायलेंट हो गया वो, उस दिन भी उसको पता नहीं क्या हो गया और एकदम उसने बहुत मारा, बोले मैंने तभी भी आप उसको लेके आए, मुझे भी बहुत आश्चर्य, बोले एक आदमी ने इतना मारा है बिना वजह एक व्यक्ति को, तभी भी वो लेडी वो बेटे को लेके आई मेरे तरफ, इसको ठीक करो, कितना प्यार होगा उस माँ का प्यार, अनकंडीशनल, मतलब वो भाई साहब वो बेटा कैसा भी हो उसने उसको लाया, नहीं उसको ठीक करो बोले, और बहुत मारता बोले, कुछ कारण नहीं बोले, कल बोले इतना मारा, बोले यहाँ मारा इधर मारा, जैसा एक माँ अपने बेटे के ऊपर प्यार करती है
अनकंडीशनल, उसको बोलते प्यार, बेटा कैसा भी हो। इसलिए मैं बोलते कि भाई माता कुमाता नहीं हो सकती, बेटा कुपुत्र हो सकता। माता कुमाता कभी नहीं होती, बेटा कुपुत्र हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, माता कभी नहीं होगी। तो वो जैसा प्यार है वैसा प्यार हम कैसा लोगों के साथ में करेंगे, अनकंडीशनल। और आत्मीयता से कि भाई भाई मैं और आप एक है, वन, सिर्फ बॉडी से अलग अलग है, मन से जुड़े हैं। तो ये संभव है, ये कैसा संभव है, तो वो हमको देखना है कि भाई ये जो मैं भी बता रहा हूं, बीइंग प्रेजेंट टू द प्रेजेंट, तो उन्होंने पहले बताया आपको, और दूसरा मैंने बताया अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर पर्सन, दूसरे आदमी को अनकंडीशनली स्वीकार करना बिना कुछ भी कंडीशन डालते, तो उसको बोलते प्यार। आपको सबको जानने के मतलब बताऊंगा मैं कि भाई ये जो है ये हम सेमिनार लेते हैं, ये अभी हम सोच रहे हैं लोगों की डिमांड के ऊपर, अभी पक्का नहीं, तभी भी आपके लिए मतलब करीब करीब पक्का कर चुके हम। आज मैं और मनीष सिटी जी बात कर रहे थे कि भाई ये जो सेमिनार है, ये सेमिनार हम अभी 12 तारीख के बदले 12 तारीख को चालू कर सकते हैं, अभी 12, तो 12 तारीख को मतलब अगले आने वाले बुधवार को, तो हर बुधवार को लेना है, और सिर्फ इसके ऊपर ही काम करना, लव एंड इंटीमेसी, मतलब प्यार और आत्मीयता, उसके ऊपर काम करना लोगों के साथ। और यदि ये क्लियर हो गया ना लोगों का प्यार और आत्मीयता, तो लोगों का लाइफ बहुत ही जबरदस्त चलेगा। इसके बारे में कुछ भी जानकारी आपको चाहिए सेमिनार के बारे में, तो मनीष सर आप ये कर सकते हैं कि एक आधा ग्रुप व्हाट्सएप का दे सकते हैं, या है ना स्पेशल उसमें लोग ज्वाइन हो सकेंगे जिसको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो, और वो हम आपको व्हाट्सएप का ग्रुप देते हैं, उसमें आप ज्वाइन हो जाओ, और ताकि हमको समझेगा कि आपको उसमें इंटरेस्ट है तो सेमिनार करने में, ताकि हम आपसे फिर कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे, और वो सेमिनार के बारे में डिटेल आपको बोलेंगे। हम सोच रहे कि हर बुधवार को लेना है सेमिनार, 9 से 11, 12 तारीख रात को 9 से 11। तो ये ग्रुप कैसा ज्वाइन कर रहा है, ऐसी ममता जी पूछ रही है, ममता साहब पूछ रही है, मैं भेज रहा हूँ लिंक, भेजता हूँ ग्रुप, ये लिंक भेज दो भी आप, मैं भेज रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लो फटाफट, मैं लगे तो आपको, आपने ग्रुप तैयार किया कि मेरे को बताओ, मैं एक मिनट का समय दूंगा ताकि लोग ज्वाइन हो सके, दो मिनट का, दो चार मिनट टाइम दीजिए, हाँ उसके बाद में फिर मैं एक मिनट का टाइम देता हूँ जी। तो बता रहा हूँ कि फिर सवाल ये आता है कि लोग तो बहुत ही तकलीफ वाले है ना अपने आसपास के, बहुत तकलीफ देते है ना, जैसा अभी फॉर एग्जांपल अभी हम सवेर भी बात कर रहे थे, सरिता बात कर रही थी, फिर बाकी और एक दो लोगों ने पूछा, और उनका सवाल था बच्चों के बारे में। अब मैं बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप समझ लो बड़े भी वैसे करते हैं, बच्चे वैसे करते, बड़े भी वैसे करते, ऐसे नहीं कि बच्चे ही करते, बच्चे बच्चों की तरफ करते, बड़े बच्चों की तरफ ही करते। तो क्या होता है कि आजकल ऐसा हो गया है कि बच्चों के संस्कारों के बारे में बहुत बहुत ज्यादा बातचीत होती रही, बहुत ज्यादा बातचीत होती रही बच्चों के संस्कारों के बारे में। अब क्या होता है, अभी जमाना बदल गया है, मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे बेटे को, मैंने मेरे माँ बाप ने जैसा मुझे संभाला पाला पोसा वैसा मैं मेरे बेटे को पालन पोषण करने के, मेरे माँ बाप ने जैसा किया वैसा मैं मेरे बेटे के हाथ में करूँ, वैसा कैसा होगा, जमाना बदल गया है, रोज नया मोबाइल आ रहा है, रोज नया मोबाइल का फीस आता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग मोबाइल रोज कुछ भी नया लाती है, मतलब आपका बेटा जाएगा उसको दोस्त बताएगा देखो मैंने ये मोबाइल लाया, परसों और कोई दोस्त आएगा बोलेगा भाई ये मोबाइल लाया, नया मोबाइल आ गया। बच्चों को अलग अलग कपड़े पहनने के लिए होना, गारमेंट्स के ब्रांडेड शॉप्स इतने खुल रहे हैं, मतलब अकोला जैसा छोटा सिटी है जो हम सोच भी नहीं सकते, आज करीब करीब सभी कंपनियों की बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स है सभी खुल गई अकोला में शॉप्स, इतने महंगे महंगे ड्रेस है, मतलब साधा शर्ट जो है वो हो सकता है कि 200-250 में मिल जाएगा, वहां हम जाएंगे तो यही शर्ट हमको 2,500 में मिलेगा, ब्रांडेड है, सिर्फ नाम है, लोगों को वो चाहिए। बच्चे घर में लेट आएंगे, घर पर बोलकर नहीं जाएंगे कब जा रहे कहाँ जा रहे, स्पेशली बेटी रही तो आपको, और जितनी माँ मुझे देख रही है ना, मैं देख रहा हूँ, मंजू है, शशि है, जितने भी माँ देख रहा हूँ मैं,
सभी को चिंता है कि मेरी बेटी बाहर गई, समझो आपको बेटी है, बेटी बाहर गई तो घर में कब आती कब नहीं, आजकल क्या होगा क्या नहीं, धाक धुक बंद रहती है, बच्चों को पॉकेट मनी देना है, वो भी हो गया कि देखो क्योंकि वो बोलता है कि कंपैरिजन बच्चों के साथ भी, उसको देखो मेरे दोस्त को पॉकेट मनी मिलता है, वो उसकी बर्थडे पार्टी दे रहा है बड़े होटल में, मैंने भी देना चाहिए बर्थडे पार्टी। अच्छा मेरे को बर्थडे पार्टी में जाना है तो उसको गिफ्ट भी देना पड़ेगा, अच्छा दिखता नहीं है वैसे कैसे के जाएंगे। अच्छा लोगों को नाइट आउट्स करने का है, रात भर बाहर जाने का है, मतलब कैसा जमाना हो गया है अभी। और इससे क्या हो रहा है, इससे ऐसा हो रहा है कि माँ बाप तनाव में आ रहे, माँ बाप को टेंशन हो रहा है, और ये सब टेंशन कॉज कर रहा है माँ बाप को, बड़े लोगों को डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर है ना, डायबिटीज सब ये कॉज कर रहा है। अब ये बच्चे ऐसे कर रहे हैं, बड़े ऐसा करते नहीं क्या, बड़े भी ऐसा करते हैं। मतलब एक पत्नी जो है, ये मनीष सेठी जी ने व्हाट्सएप की लिंक डाली हुई है, लव इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप, इसके बारे में हम एक सेमिनार करेंगे, तो मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, तो वो उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा, वो सेमिनार के बारे में हम डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो लव इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप का एक सेमिनार हर बुधवार को 12 तारीख से रात को 9 से 11 करने वाले, 9 to 11, उसके बारे में वही बात करेंगे, लव रिलेशनशिप इंटीमेसी मतलब प्यार आत्मीयता और रिश्ते, उसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि सबको लिंक मिली है, आप उसमें ज्वाइन कर लो, मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, लेकिन तो लिंक फिर से और एक बार डाल दो, चली गई होंगी तो। क्या बोले सर, फिर से लिंक डालना है तो डाल दो। नहीं है, ज्वाइन हो रहे सर, ज्वाइन हो रहे ना, हाँ तो वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो अभी आप ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन तो और एक दो बार डाल देंगे बीच में। यस यस। सवाल ये आता है कि बच्चे सिर्फ नहीं है, मतलब बच्चे माँ बाप को तनाव दे रहे हैं ऐसा नहीं है, मेरे पास में कितनी महिलाएं आती है कि उनका पति उनको तनाव दे रहा है, क्योंकि वो घर में टाइम पे आएगा नहीं, वो उसके दोस्तों के साथ में घूमेगा फिरेगा, उनकी उनकी पार्टियां, मतलब बच्चे जो कर रहे हैं वो बड़े भी वैसे कर, ऐसा नहीं कि बच्चे ही कर रहे, बड़े भी वैसे कर। और जो लेडीज सर्विस में है उनके बारे में हस्बैंड को प्रॉब्लम और वो तनाव है, ये घर पे टाइम पे नहीं आएंगी, ये बाहर जाती रहती है, ये फोन पे रहती है, इसका कुछ है क्या, मतलब पति का पत्नी के बारे में डाउट है, पत्नी का पति के बारे में डाउट है, और दोनों भी यदि बाहर जा रही है वो, तो दोनों भी डाउट में जी रहे और स्ट्रेस कॉज कर, क्या हो रहा भाई, क्या चल रहा है, दोनों एक दूसरे का फोन चेक कर रहे, फिर फोन लॉक किया हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी मैं पहले बोलूंगा कि समझो आपका बेटा है फॉर एग्जांपल, और आप बेटे को ऐसा बोलेंगे या बेटी को ऐसा बोलेंगे कि तुम गलत है, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि आप उसको ऐसा बोलते हैं तो क्या होगा, आपकी निगेटिविटी जो है, आपकी निगेटिविटी होती है ना, अरे यार ये ऐसा कैसा करता है, ऐसा इसने क्यों करना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको कितने बार बोला है, फिर अभी मैं आज बोलता हूँ उसको और वो आ गया लेट घर में, तो बोलेंगे अरे यार तेरे को कितने बार मैंने बोला कि तू लेट मत आया कर, तू कहाँ गया था। तो क्या हो रहा है कि आपकी निगेटिव एनर्जी उसके तरफ जा रही, सामने वाले की तरफ जा रही। और क्या होता है जब आपकी निगेटिव एनर्जी उसके तरफ जा रही है, निगेटिविटी जा रही है, क्योंकि आप जो अवस्था में है वो तो अच्छी अवस्था तो नहीं है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपको गुस्सा आया हुआ है, और वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी उसके पास में जा रही है, क्या होता है कि सामने वाला करता है उसको रेजिस्ट, विरोध करता है, वो रेजिस्ट करेगा और उसने कहा नहीं अपने माँ बाप, उसको लगता है कि देखो कितने पीछे पड़े, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो देखो उसके माँ बाप उसको कुछ बोलते नहीं, भले बोलते होंगे उसको, उसको माँ बाप बोलते नहीं, उसको पैसे मिलते, उसको 1000 रुपये हर हफ्ते का पॉकेट मनी मिलता है, मुझे तो मिलता ही नहीं पॉकेट मनी। फिर माँ बाप क्या बोलते हैं उसके पीछे लग लग के फिर माँ बाप क्या बोलते हैं, देखो हमारी बेटा है ना हमारा सुनता ही नहीं, उसके दोस्तों की सुनेगा हमारी सुनते नहीं,
या वाइफ क्या बोलेंगे, देखो मेरा हस्बैंड है ना, सुनते नहीं। मैं भी सभी महिलाओं को पूछूंगा ना कि आपका हस्बैंड आपकी सुनता है क्या। जब मैं हमारे सेमिनार में लाइव सेमिनार रहते हैं पूछता हूँ तो सबके हाथ ऊपर रहते, सुनता नहीं, सबके हाथ ऊपर, किसकी किसका हस्बैंड सुनता नहीं, सबके हाथ। हस्बैंड को पूछता हूँ कितने कितने कौन कौन लोगों की वाइफ उनका सुनती नहीं, सबके हाथ ऊपर, वाइफ सुनती नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम उनके इतना पीछे लगते हैं, इतना पीछे लगते हैं कि सामने वाला सुनने के मोड़ से बाहर निकल जाता है, सुनते ही नहीं। और हमको लगता है कि हमारा उसने सुनना चाहिए और वो सुनता नहीं है और प्रॉब्लम आता है। इसके लिए करना क्या है अल्टीमेट, ये सवाल है। करना क्या है? या ऐसा है तो पति को लगता है कि पत्नी सुनती नहीं है, पत्नी को लगता है कि पति सुनता नहीं है, माँ बाप को लगता है कि बेटा सुनता नहीं है, बेटे को लगता है कि माँ बाप सुनते नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है, हर एक की डिमांड बढ़ी हुई है। वाइफ बोलती है कि अपने को है ना बड़ा मकान चाहिए, अपने को 3 बेडरूम फ्लैट चाहिए, देखो मेरे दोस्त ने इतना खरीद लिया, फिर उसकी जो फ्रेंड होंगी वो फ्रेंड ने 3,000 रुपये की साड़ी दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरे को 1,000 की साड़ी दिया, उसके लिए गुस्सा। फिर वो नहीं देखती कि भाई अपने हस्बैंड की कमाई इतनी नहीं है, बोलती मेरे को मालूम नहीं आप, देखो उसको गिफ्ट मिली बर्थडे के ऊपर, मुझे गिफ्ट नहीं दिया आपने, ऐसा चालू रहता है कंटिन्यूअसली। और वो इतना स्ट्रेस, मतलब क्या है अल्टीमेटली हम ऐसी दुनिया में हैं आज कि आज से 25 साल पहले नहीं था, वो कितना सारा आज उपलब्ध है। खाने पीने की इतनी सारी चीजें है, कम्युनिकेशन है, कपड़े लत्ते मिलते हैं, व्हीकल्स है, सब आबादी है एक्चुअली देखा जाए तो। और तभी भी लोग दुखी है आज, स्ट्रेस में, तनाव में, सब होने के बावजूद भी। मैंने 25 साल पहले कंडीशन ऐसी थी कि कम्युनिकेशन का साधन ही नहीं था 25-30 साल पहले। मतलब जब मेरे ख्याल से मोबाइल जब आए तब तो हमको बहुत ताजुब लगता था, अरे वो उसके पास मोबाइल है, अपने पास में मोबाइल नहीं है, अपने पास में तो वो लैंडलाइन है करके। 1979 की बात कर रहा हूं मैं, मेरे नाना जी गुजर गए, मैं बेंगलोर में था, पढ़ाई करता था, तो मुझे 15 दिन बाद में मालूम हुआ कि वो गुजर गए, क्योंकि लेटर आया, वो लेटर 15 दिन बाद मेरे को मिला बेंगलोर। कम्युनिकेशन नहीं था, आज कम्युनिकेशन है, अमेरिका के व्यक्ति से हम 1 मिनट में बात कर सकते हैं। और ये सब होने के बावजूद भी सब लोग स्ट्रेस में, तनाव है। और आपको मालूम है कि तनाव यदि है तो आपको कॉज होगा ब्लड प्रेशर, आपको कॉज होगा जल्दी डायबिटीज, आपको कॉज होगा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई। और ये शुगर ज्यादा जब रहती है डायबिटीज, तो वो डायबिटीज यदि दिमाग के ऊपर वो जाके यदि शुगर डिपॉजिट होती है दिमाग के सेल के ऊपर, तो भुलक्कड़पन की बीमारी होती है जिसको डिमेंशिया बोलते हैं, जल्दी डिमेंशिया हो जाएगा, भुलक्कड़पन की बीमारी यदि शुगर डिपॉजिट यहाँ होता है। तब इसका करेंगे क्या? अभी तक मैंने क्रिएट किया, जहां मैं थोड़ा रुकता हूँ, किसको कुछ बोलना है, शेयर करना है, पूछना है, तो आप अपना हाथ ऊपर करो ताकि मैं थोड़ा सा शेयरिंग ले लूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलते रहूंगा ना तो वो ऊपर चले जाएंगे ऊपर। मोहन पाटिल सर नमस्कार, तुम्हें हाथ तेवल धन्यवाद, मैं पहला नहीं, हमसे व्याई है, हमारे व्याई है समधी सांगली से, वो यहाँ है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको मैंने अनम्यूट किया मोहन जी, यस आलोक, आलोक राठी, हाँ यस, हाँ पाटिल सर, हेलो, हाँ यस सर, हाँ नाही ऐकतोय अगदी मनापासून ऐकतोय, बहुतेक पहिल्यांदाच ऐकतोय त्यामुळे पहिल्यांदा ऐकूया म्हटलं, काही विचारायचं होतं। आता मी एक प्रश्न विचारू काय? हाँ विचार, हिंदी में बात करेंगे ना मजे तो बरं होईल, अच्छा रहेगा, ओके। आपने कहा कि कोई इंटेंशन नहीं रखना, कुछ नहीं रखना, तो प्रगति कैसी हो जाएगी? कल के बारे में नहीं सोचा कि मेरे को ये लेना है, वो लेना है, कोई गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, प्लॉट लेना है, जगह चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, तो हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योरसेल्फ? बराबर है। तो एक एक हमारे कोच है ना, वो गुरुजी भी है और हमारे कोच भी है, वो उनके पास में कोई गया ना तो हम कैसा बोलते हैं कि तुम आपके सारे सपने पूरे हो जाओ, आपका आशीर्वाद है, आप ऐसा बोलते हैं ना,
कि आपको आशीर्वाद है कि आपके सब सारे सपने पूरे हो जाए, पूरे हो जाए। तो बोले अभी मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, बोलते हैं कि आपके पूरे सारे सपने पूरे ना हो जाए। ओके क्यों? क्योंकि सपने पूरे होंगे तो उनका ऐसा लगता है कि अभी एक आदमी कुछ काम करेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। सपने है तो आगे बढ़ेगा, है ना? सपने है तो आगे बढ़ेगा, सपने नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा। जो है उसमें समाधान है तो आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा। तो हम क्या बोलते हैं कि आपने अच्छा सवाल किया कि मैं हरदम ये बोलता हूं कि मर्सिडीज आने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, है ना? अभी मैं ना खुश हूं, अभी ना खुश हूं क्योंकि मेरे पास में मारुति 800 है और मुझे है ना मर्सिडीज चाहिए क्योंकि पाटिल साहब के पास में मर्सिडीज है। तब तक मैं ना खुश हूं कि मेरे को मर्सिडीज 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 मेरे मर्सिडीज आएंगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, तब तक ना खुश। तो एक आदमी वैसा है और दूसरा आदमी है कि बोलता हूं मैं खुश हूं, समाधान हूं और मुझे मर्सिडीज चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो कौन सा आदमी आप बनना चाहोगे? कि भाई मैं रिलैक्स हूं, मैं खुश हूं जो है उसमें खुश हूं और मुझे मर्सिडीज चाहिए। और मर्सिडीज क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को ज्यादा खुशी चाहिए इसलिए नहीं, मेरे को मर्सिडीज चाहिए क्योंकि मेरे को मर्सिडीज चाहिए, कुछ कारण नहीं। ऐसा नहीं कि मर्सिडीज आएंगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं, मैं खुश हूं, मजा अभी मजा चल रहा है। क्योंकि मर्सिडीज आने के बाद में मैं खुश हो जाऊं, ऐसा यदि मैं बोलूंगा तो जिनके पास में मर्सिडीज है उनको पूछो वो खुश है क्या? ओके, वो क्या बोलता है? मेरे को फरारी होना, बोलता है मेरे को फरारी होना और वो फरारी आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो वो खुश नहीं है। तो हम बोलते हैं कि आप खुश हो जाओ और जो चाहिए वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि पहले खुश रहो। हाँ, पहले खुश हो जाओ क्योंकि मेरी खुशी जो है वो मेरी खुशी वातावरण के ऊपर निर्भर नहीं है। नहीं है, करेक्ट। माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटर थिंग्स, मेरी खुशियां बाहरी कोई भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, मेरी खुशियां जो है वो अंदर है। और मर्सिडीज आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मर्सिडीज में जाऊंगा तो कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं मारुति 800 में भी खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes, I got the answer, sir. Yeah. तो हमको कुछ मतलब क्या है मालूम है क्या? जैसा मैंने अभी बताया कि मुझे कुछ चाहिए, जैसे एक आधा गायक कलाकार है वो गायन उसको इसलिए गा रहा है वो कि लोग उसको वाह 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 बोलेंगे, तालियां दे रहे देंगे, इसलिए गायक गायन कर रहा है। और दूसरा गायक जो है बोलता मैं मेरे खुशी के लिए गा रहा हूँ, मजा कर रहा है। मतलब कोई चाहिए करके कुछ नहीं कर रहे आप, जो है उसमें खुश है, जो है उसमें 100% है। क्योंकि गाने के बाद में तालियां नहीं मिली तो दुखी हो जाएगा कि अरे तालियां नहीं मिली, मैंने गाना गाया। तो तालियों के लिए मैं गाना नहीं गा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं उसमें मुझे खुशी, गाने में खुशी है। तो उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, कि जो कर रहे हैं उसमें आप खुश है। और प्रोडक्टिविटी बोलते हैं कि जो आप कर रहे हैं उसके यूटिलिटी हो जाएंगी, उससे कुछ तो भी मिलेगा, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। जैसे कुर्सी जो है, कुर्सी का प्रोडक्शन क्या हुआ है, कुर्सी का प्रोडक्शन क्या हुआ है, उसकी यूटिलिटी है। मगर गाना गा रहा है उसका उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, मजा कर रहा हूं, मेरे लिए कर रहा हूं। तो जब आप वो गाने के लिए गाना गा रहे, पेशेंट देखने के लिए मैं पेशेंट देख रहा हूं ना कि पैसे के लिए, पेशेंट को अच्छा करना है, पेशेंट को रिलीफ देना चाहिए, उसके लिए मैं पेशेंट को देख रहा हूं ना कि मेरे को पैसा मिलेगा करके मैं पेशेंट देखो, दोनों अलग अलग है। तो फिर मैं पेशेंट देखना उसके ऊपर फोकस करूंगा, उसको अच्छा ट्रीट करूंगा और पैसा जो है वो है आउटकम, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट, वो मेरा अंतिम उद्देश्य नहीं। तो हैप्पीनेस मिलाना, वन डे समडे आई विल बी हैप्पी, वो मैं सिखाता नहीं हूं। मैं सिखाता हूं कि वन डे समडे, मंडे अंडे हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस राइट नाउ, अभी है। शायद आपको आंसर मिला होगा। यस, और मैं जो बोल रहा हूँ ये बोलना बहुत आसान है, समझना कठिन है,
और पालन करना अति कठिन है, अति कठिन है। क्योंकि बोलना बहुत आसान है, मेरे लिए बोलना आसान है और आप बोलना चाहोगे आपके लिए भी आसान हो जाए, कि जो है उसमें खुश रहो, प्रेजेंट में रहो। बहुत आसान है बोलना, समझना कठिन है और पालन करना और कठिन है, और कठिन है। करेक्ट, राइट। तो काफी लोगों के हाथ ऊपर है, हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, ममता झा जी, आप कहाँ से है? आपको मैं बोलने का मौका देता हूँ, मैंने आपको कभी देखा नहीं। वीडियो चालू करेंगे तो चालू करनी होगी आपको, अनम्यूट करने का, अदरवाइज। यस, ममता जी बोलो। जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। देखो, एक दिल्ली से, एक सांगली से, कोई गोवा से है, कोई अमेरिका से, सब तरह से बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। कोई गुजरात से क्या जी? बोलिए। आपने बहुत अच्छा विषय उठाया कि प्रसन्नता जो है, हैप्पीनेस जो है, वो अपने इनसाइड होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा फील होता है, और कई बार ये भी कहा गया कि अभी आप जब भी डिप्रेस हो तो मोटिवेशनल वीडियोस देखो, उससे आपका मोटिवेशन है ना, मतलब फैक्टर आएगा। या जैसे फीमेल खाना बनाती है तो हर रोज वो अपनी खुशी से बनाती है, बट जरूरत है घर की इसलिए भी वो बनाती है। लेकिन उसके साथ जब उसको उस चीज को कोई उसकी तारीफ ना करे, मोटिवेशन मतलब ये कहना है कि दो इट इज हर हैप्पीनेस, ठीक है, वो अपनी मतलब खुशी से वो काम कर रही है, बट इसके साथ चीज एक्सपेक्टिंग कि समवन हैज टू यू नो कोई उसकी उसकी तारीफ करे, वो उसकी कि अप्रिशिएट करे, यस अप्रिशिएट करे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं आपसे क्लैरिटी लेना चाहूंगी, क्या मोटिवेशनल फैक्टर कहीं पे यहाँ पे मतलब मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है? क्योंकि विदाउट मोटिवेशन तो पॉसिबल नहीं है ना लाइफ लीड करना, कि ऑलवेज आप विदाउट एक्सपेक्टेशन। यस ऑफकोर्स, मैं इस बात को बहुत एग्री करती हूँ कि आपको लाइफ में खुश रहना है तो एक्सपेक्टेशन सारी छोड़नी होगी। मोटिवेशंस और दूसरों से मोटिवेशंस लेना भी एक्सपेक्टेशंस के में ही आता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है। बराबर, किसी न किसी मोड़ पे ऐसा फील होता है कि मोटिवेशंस मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इसलिए नहीं कि एक्सपेक्टेशंस है, मिलेगा नहीं तो इंसान दुखी हो जाएगा, नहीं दुखी नहीं होगा, बट मोटिवेशंस जब मिलता है तो आदमी के अंदर एनर्जी और डबल फ्लो होके वो और अच्छे ढंग से अपने आप को परफॉर्म कर पाता है। बराबर, आपने एकदम सही बोला कि मोटिवेशन होना जरूरी है, मोटिवेशन से हम आगे बढ़ते हैं, एप्रिसिएशन होना बहुत जरूरी है, एप्रिशिएट रहा तो और ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है और आदमी को अच्छा लगता है ना। मगर ये जो है, ये मोटिवेशन एप्रिसिएशन, ये चाहिए किसको? ये चाहिए ईगो को। ईगो को होता है सुख, ईगो को होता है दुख। अहम, मैं, मेरा, मेरे को एप्रिसिएशन चाहिए। तो जिसको दुख होता है उसको सुख भी होता है, जिसको सुख होगा उसको दुख भी होगा, फिर कुछ हो गया तो आप दुखी हो जाते हैं जी, और दुखी ज्यादा समय रहते हैं। एप्रिसिएशन हो गया तो थोड़ी देर चलता है, और एप्रिसिएशन जो है वो उसके लिए हम फिर ढूंढते रहते, अभी कोई मेरे को अप्रिशिएट करेगा क्या, अभी कोई करेगा क्या, अरे बोलो ना, अच्छा थोड़ा तो बोलो मेरे को अच्छा लगेगा ना, अरे तुम भी, अरे मैंने इतना अच्छा बात कर रहा हूँ, थोड़ा तो अच्छा बोलो मेरे को कि तुमने अच्छा भाषण दिया करके, तो मैं घूमते रहूंगा, मैंने इतना अच्छा खाना पकाया, अच्छा तो बोलो कम से कम, और कोई अच्छा नहीं बोलेगा तो देखो फिर दुखी। तो ये जो है सुखी होने का और एप्रिसिएशन का घड़ा, ये भरने वाला कब है? कभी नहीं, कभी नहीं है। तो आप कौन से दुनिया में जी रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं, कि जो गेम में आप कभी जीतने वाले नहीं हो? ऐसा गेम खेल रहे कि कभी जीतने वाले नहीं है, क्योंकि एप्रिसिएशन तो कभी पूरा होता ही नहीं। आज इतना हो गया, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आपको घर के, घर में समझो 6 मेंबर है, 2 लोगों ने अप्रिशिएट किया, 4 लोगों ने नहीं किया, तो 2 लोगों ने अप्रिशिएट किया तो उसका सुख नहीं है, 4 लोगों ने नहीं किया उसका दुख है, तो बाकी ने कुछ नहीं बोला, तो वो प्रॉब्लम आता है। ईगो जो है, ईगो, उसको सुख भी होता है और दुख भी होता है। पर हम ऐसी बात कर रहे हैं, क्या हम बहुत मुश्किल है ईगो लेसनेस में जी सकते हैं? ईगो लेसनेस, संत बन सकते हैं? ये
दुनिया में रह के संसार करके संसार में रह के बच्चों का पालन पोषण करे संत, ना कि भगवे कपड़े पहन के जंगल में जाओ, नहीं कोई जरूरत नहीं है। सब अपनी फैमिली में रहो, सब करो, ऐश आराम करो, मजे करो, तभी भी संत बनो, हो सकता है ऐसा। चित्त प्रज्ञ बोलते हो, चित्त प्रज्ञ मतलब सुख में सुख नहीं, दुख में दुख नहीं, चित्त प्रज्ञ है। और उसको बोलते हो सकता है, हाँ जीते जी, इम्पॉसिबल नहीं है, कठिन है बट इम्पॉसिबल नहीं है। और जीते जी समाधि अवस्था है, ये जीते जी समाधि, समाधि लेना है। और समाधि मतलब बैठे समाधि ले रहे ऐसा नहीं है, मैं घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ सब कर रहा हूँ समाधि अवस्था में, और एक ऐसे आनंद की अवस्था में हो कि मुझे कोई जरूरत ही नहीं है बाहर से आनंद लेने। बेसिकली मुझे लगता है इमोशन से डिटैच होना पड़ेगा, हर इमोशन से डिटैच अपने आप को करना है। बिल्कुल, हम अलग अलग आपको, आप मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ ममता जी, जी मेरे पास आज पहली बार लिंक आई है। मैं बुद्धिस्ट फॉलोअर हूँ, बुद्धिस्ट फॉलोअर हूँ। कहाँ से लिंक आई आपको? मैं काफी, हाँ जी लिंक, मैं एक ग्रुप में हूँ। अच्छा। उस ग्रुप में ये लिंक आया था, तो जैसे ही मैंने इसकी इसका विषय देखा, सब्जेक्ट देखा, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और टाइम भी मेरा काफी सूट कर रहा था। मैं वर्किंग हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगा, तो हाँ। मैंने सोचा मैं ज्वाइन। जो लोग नए हैं उसमें, इसमें इनको बताना हूँ कि मैं हर गुरुवार को ये प्रोग्राम लेता हूँ, और मेरे मैं बिल्कुल अटेंड करूंगी। भाई आप सभी लोग जैसा, आपको कहीं से लिंक आ गई, आप और कहीं लोगों को लिंक भेजो, जी बिल्कुल फायदा हो। और दूसरा जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये सेमिनार के बारे में जो हम 12 तारीख से चालू करने वाले हैं, इसमें हम डिटेल में 30 घंटा करीब करीब 20 से 30 घंटा हम चर्चा करेंगे कि भाई ये रिलेशनशिप जो है वो कैसे हम अच्छे करें ताकि हमारा स्ट्रेस कम हो जाए। तो उसके बारे में आपने जो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ ही है, और आप नए हैं तो मैं जो जो नए उनको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ कि हम अलग अलग प्रोग्राम करते रहते हैं। एक लीडर फॉर लाइफ LFL नाम का प्रोग्राम, लीडर फॉर लाइफ LFL, बहुत बेहतरीन और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, जिसमें आपका खुद का रूपांतरण हो जाता है, खुद का रूपांतरण। तो वो आपने करना जरूरी है, उसको भी आपको चाहिए तो 9823043815 ये नंबर के ऊपर आप कॉल करो। वैसे एक PMW करके प्रोग्राम होता है, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर PMW, वो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए हम, एक घंटे में 5 घंटे का काम कैसे करें, है ना, तो उसका प्रोग्राम है वो, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो अलग अलग प्रोग्राम से, अभी मैं तो कम समय हमारे पास में उसके बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं, हमको फिर से वापस आना है हमारे टॉपिक के ऊपर, वापस आ रहा हूं मैं। आपको जो भी चाहिए जानकारी, अच्छा आकाश इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, क्या बात है, आज सब पूरे इंडिया से लोग हैं, वैसे रहते हैं हरदम आज, मतलब वो प्रेजेंट करवा के दे करके मैं प्रेजेंट हो रहा हूँ कि आकाश वेस्ट बंगाल से, ममता जी दिल्ली से है, मोहन पाटिल सांगली से है, फिर स्वाति पाटिल है क्या, आज वो अमेरिका से आती रहती है, विजय अहमदाबाद से है, विजय अहमदाबाद से है, तो पूरा इंडिया है हमारा आज। गुड गुड, वेरी गुड। तो फिर सवाल ये होता है, अभी मैं अपने पास में टाइम कम है, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, कि जब हम समझो, अभी मैं बेटे का दे रहा हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि हर व्यक्ति को वो प्रॉब्लम है, तो स्वाति अकोला से, गुड, तो हर व्यक्ति को प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बेटे का बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप वो एग्जाम्पल किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे ने सुधरना चाहिए, उसने आइडियल बेटा बनना चाहिए, उसने पढ़ाई करना चाहिए, उसने टाइम पे घर पे आना चाहिए, उसने कम मतलब कम पैसा खर्चा करना चाहिए, उसने जो डिमांड कर रहा है, मोबाइल होना, ये होना, नए कपड़े होना, या ये होटल में चलो होटलिंग करना है, बर्थडे करना है, ये भाई इतना नहीं अपने को पूछता, मतलब ऐसा सब करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई उसको मैं पीछे लगता हूँ, और पीछे लग के उसको बोलता हूँ ये मत कर, वो मत कर, वो मत। ऐसा क्यों होता है, मैं पीछे क्यों लगता हूँ? तो मुझे इसमें ये दिखा, ये मैं प्रपोज कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ इसके ऊपर आपने सोचना है। सोचना क्या मालूम है, कि मुझे लगता है कि मेरे बेटे ने ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तेरे मतलब की बात कर रहा हूँ ना, मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ, तू पढ़ाई कर, तू ऐसा मत कर, तू मतलब मेरी ऐसी जान जल रही है इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, तू ऐसा करना चाहिए करके। अभी एक ये हो गया कि मैं तेरे लिए कर रहा हूं, अभी मैं दूसरा व्यू आपको दे रहा हूं अलग,
दूसरा व्यू इसमें ऐसा है, मतलब की बात कि आप कंसिडर करो कि जब ऐसा व्यवहार कोई करता है तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते, आप रेस्टलेस हो जाते, आप एंग्शियस हो जाते हो, आप नर्वस हो जाते, और वो आपको सहन नहीं होता। तो मेरा जो रेस्टलेसनेस है, मेरी जो अस्वस्थता है, मैं जो डिस्टर्ब हो गया हूं, उसको ठीक करने के लिए फिर अभी मेरे को बोलना पड़ता है। तो मैं जो मेरे बेटे के अभी पीछे लगा हूं, वो काहे के लिए लगाऊं, मेरा फायदा होना चाहिए, इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं इसको बोलूंगा, जी तोड़ के बोलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं बोल क्या रहा हूं, मैं तेरे लिए बोल रहा हूं, तू सुधरना चाहिए, ऐसे बोल रहा हूं। एक्चुअली क्या है, मुझे अनकंफर्टेबल होता है और वो दूर करने के लिए मैं बोल रहा हूं। देखो उल्टा, तो इसमें अभी करना क्या है। नंबर एक, आप लगे तो लिख सकते हैं, जैसा मैंने शुरू में बोला, प्यार की डेफिनेशन क्या है, एक्सेप्टिंग द पर्सन द वे ही इज एंड द वे ही इज नॉट। वो जैसा है वैसा है, जैसा नहीं है वैसा नहीं है, पहले उसका स्वीकार कर, लव नंबर एक। नंबर दो, जब आप बात करेंगे तो ये बोलो खुद से कि मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरा अनकंफर्टेबलनेस है, मेरा एंग्शियस हूं। 7 बजे बेटी ने बोला था घर पे आएंगी, 7:10, 7:15, 7:20 अभी तक घर पे नहीं आई है ना। मैं मतलब मेरी एंग्जाइटी, हाँ किसने बोला है कौस्तुभ राय कि मेरी एंग्जाइटी मेरे को रिलीज करना है, जैसे ही वो आ गई तो मेरा चालू हो जाता है उसके ऊपर तार 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 की लेट हो गई, ऐसा वैसा वैसा कि मैं एंग्शियस हूँ, मेरे को रिलीज करना है मेरी एंग्जाइटी। तो सामने वाले को पहले एक्सेप्ट करो, नंबर एक। नंबर दो, भाई मेरा बिलीफ सिस्टम ये बोलता है कि उसने 7 बजे घर पे आना चाहिए, उसका बिलीफ सिस्टम जो है वो बोलता है कि चलता है मैं लेट गया घर पे, तो उसका संस्कार जो है बच्चे का, बेटे का, लड़की का, बोलता है कि बाकी जो फ्रेंड्स है वो लेट जाते हैं घर पे, मैं गई तो चलता है। तो उसका बिलीफ सिस्टम अलग है, उसका संस्कार अलग है, मेरा संस्कार अलग है, मेरा बिलीफ सिस्टम अलग है, उसका अलग। तो आप जब यहां प्रेजेंट हो जाएंगे कि वो उसके जगह पे सही है और मैं मेरे जगह पे सही, उसका देखने का नजरिया जो है वो कंपेयर कर रहा है अपने दोस्तों से, वो कंपेयर कर रहा है समाज से, वो कंपेयर कर रहा है समाज में बाकी लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, मेरा बिलीफ सिस्टम बोलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका बिलीफ सिस्टम बोलता है ऐसा करना। अब राइट कौन है, राइट दोनों भी है, मगर मैं बोलता हूं मैं राइट हूं, मेरा राइटियसनेस आता है कि मैं राइट हूं, मैं जैसा बोलता हूं वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, मैं तेरे लिए कुछ नहीं। इसको प्रेजेंट हो जाओ कि उसका व्यू है, उसका लाइफ है, उसके ऊपर वैसा भी संस्कार हुआ है कि चलता है, मुझे तो 1000 रुपये तो होना ही है हर हफ्ते में खर्चा करने को, मुझे तो बाइक होना ही है, मुझे तो बर्थडे पार्टी में जाना है, मुझे तो बाहर दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, वो तो भी उसका संस्कार है, तो उसका संस्कार एक्सेप्ट करो, ठीक है भाई, ओके नो प्रॉब्लम, तेरा व्यू ऐसा है, ओके नो प्रॉब्लम। और जब आप उसको स्वीकार करेंगे तो आप पहले कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएंगी, आपका रेस्टलेसनेस कम हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। कौन से इसे, एक्सेप्टिंग द पर्सन द वे ही इज एंड द वे ही इज नॉट। वो जैसा है वैसा है, जैसा नहीं है वैसा नहीं है, उसका बिलीफ सिस्टम अलग है, उसका बिलीफ सिस्टम बराबर है, उसका बिलीफ सिस्टम उसके दृष्टिकोण से ठीक है, उसके जगह पे वो सही है और मैं मेरे जगह पे सही हूँ, दोनों अपने अपने जगह पे सही, रिलैक्स। तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, और फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जैसा मैंने बोला कि आपकी निगेटिव एनर्जी उसके तरफ जाने के बदले आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसके तरफ जाएगी। पहले क्या था, आप रेस्टलेस, एंग्शियस, कितने बार बोला तेरे को कि ऐसा मत कर, ऐसा कैसा करता है, सब निगेटिव एनर्जी जा रही है, उसके बदले आप यदि रिलैक्स है, कंफर्टेबल है, तो आप शांति से बात करेंगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसके तरफ जाएंगी, आप बात करेंगे तो शांति से बात करेंगे, उसके फायदे की बात करेंगे,
और इंफॉर्मेशन देने के बदले इन्वॉल्वमेंट करेंगे। इन्फॉर्म करना, 7 बजे घर पे नहीं आना, जल्दी आना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। इन्वॉल्वमेंट क्या हो गया, चलो बैठो साथ में और बात करेंगे कि जल्दी क्यों घर पे आना, बताओ, मतलब उसको इन्वॉल्व कर रहे आप सामने वाले व्यक्ति। जैसा मैंने बेटे का एग्जांपल लिया, आप किसी के साथ में, मतलब पति पत्नी, दोस्त भाई भाई, बहन बहन, किसी के साथ में भी ये कर सकते हैं कि आप जब किसी को क्रॉस करते हैं, किसी को बोलते हैं कि तू गलत है, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ, समझ जाओ कि आप आपकी निगेटिव एनर्जी उसकी तरफ दे रहे, वो रेजिस्ट करता है, वो सुनने के मूड में आता नहीं है, उसको लगता है कि मैं बराबर हूँ, मुझे लगता है कि मैं बराबर हूँ, दोनों क्लैश होते हैं, दोनों की निगेटिव एनर्जी तलवार बाहर निकलती है, लड़ाई झगड़ा होता है। उसके बदले ठीक है, उसका व्यू ऐसा है, मेरा व्यू ऐसा है, मैं उसका स्वीकार करता हूँ, जो है वो है, मैं इन्फॉर्म करने के बदले उसको इन्वॉल्व करूंगा, बातचीत करूंगा सामने वाले के साथ में, और बातचीत करके फिर हम निकालेंगे उसमें से कुछ रास्ता। तो क्या होगा, जब मैं उसके फायदे की बात करूंगा, सामने वाले के फायदे की बात करूंगा, तो वो कहां से, मैं कंफर्टेबल हूं, रिलैक्स हूं और पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले को दे रहा हूं, वहां से मैं बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली सामने वाला सुनेगा, वो सुनेगा, सुनने के मूड में आएगा, नहीं तो क्या होता है, वो सुनता ही नहीं, वो कान बंद कर देता है, आपका बेटा कान बंद कर देता है, सामने वाला कान बंद कर, सुनता ही नहीं, उसका रेजिस्टेंस चालू हो जाता है, मेरे को नहीं सुनने का है, नहीं सुनने का है, आप कुछ भी बोलते जाओ नहीं सुनने का। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला है, नंबर एक कि रेजिस्ट नहीं करना है, वो रेजिस्ट करता है उसको रिकॉग्नाइज करना, लव देना है, अनकंडीशनल लव सामने वाले को, इन्फॉर्म करने के बदले इन्वॉल्व करना है, और मैं पहले पॉजिटिव एनर्जी उसकी तरफ दूंगा, और पॉजिटिव एनर्जी कब जाएंगी, जब मैं उसको एक्सेप्ट करने वाला हूं। क्या एक्सेप्ट करने वाला हूं, उसका व्यू पॉइंट है, उसका संस्कार है, उसका बिलीफ सिस्टम जैसा भी तैयार हो गया है, उसको मैं जैसा का वैसा एक्सेप्ट कर रहा हूं, ताकि अभी मेरी एनर्जी जहां वहां जाएंगी नहीं, निगेटिव एनर्जी वहां जाएंगी नहीं, पॉजिटिव एनर्जी जाएंगी, मैं कंफर्टेबल रहूंगा, शांति से बात कर सकूंगा, उसके फायदे की बात करूंगा, तो वो सुनने के मूड में है। या मैं एक दो सवाल लेता हूं, डॉक्टर मनीषा बोलिए। यस, टेलीग्राम ग्रुप भी है अबंडेंस का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दी हुई है। डॉक्टर मनीषा आपको कुछ बोलना है, मैं आपको अनम्यूट करने का प्रॉम्प्ट भेजा हूं। हाँ जी पाटिल साहब, मैं आपको बुलाता हूँ, मनीषा, डॉक्टर पाटिल जो है वो बहुत फेमस सांगली के एनेस्थेटिस्ट है, मैं जैसा बोला कि हमारे संबंधी है। यस, आप कहाँ चले गए अभी? हाँ हेलो, हाँ जी यस। सर मुझे ये पूछना था कि जब बच्चे इंसिस्ट करते हैं किसी एक चीज के लिए, आपका आवाज आना टूट रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, बच्चे जब जिद करते हैं कि हाँ मुझे यही अभी चाहिए, या फिर आर्गुमेंट्स पे आते हैं, तो हम लोग कैसे रिएक्ट करें उनको, मना कैसे करें? जैसे अभी 12 इयर्स की चाइल्ड है मेरा, वो लैपटॉप की ऑल द वे मुझे कन्विंस करता है कि हाँ ये चाहिए, मेरे फ्रेंड्स के पास है, पॉकेट मनी मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स देते हैं, देन आप क्यों नहीं देते? बराबर है, हम लोग कैसे रिएक्ट करें? बराबर है। तो अभी और एक आपको बताना मैं चाहता हूँ यहाँ, कि हम पेरेंटिंग के बारे में भी एक सेमिनार कर रहे हैं, है ना, और वो सेमिनार है 15 अक्टूबर शाम को 7 से 11 बजे तक। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सेमिनार में ज्वाइन हो जाइएगा, उसकी भी लिंक पेरेंटिंग की मैं आपको देता हूँ, पेरेंटिंग का एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप ज्वाइन हो जाओ लगे तो मैं भेज दूंगा। हाँ भेज दो, तो वो आप उसमें ज्वाइन हो जाओ, और वो ज्वाइन हो जाएंगे तो पेरेंटिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम जो है आकर्षण का नियम भी बोलते हैं, तो अगर आप आपके लाइफ के अंदर जो चाहिए वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिव इंसान बनना चाहते हैं, सकारात्मक इंसान बनना चाहते हैं, हर चीज में आधा गिलास भरे हुआ देखना चाहते हैं, अपने लाइफ से जो लाइक कंप्लेंट है, शिकायत है, रूठना है, गॉसिपिंग है, चिड़चिड़ है, कुंठा होना, कुंठित होना, ये सब निकालना चाहते हैं, तो जरूर ये वर्कशॉप अटेंड कीजिए। 403 से ये वर्कशॉप लगातार शुरू है,
एक भी दिन का ब्रेक नहीं, एक भी दिन हमने ये लेट वर्कशॉप शुरू नहीं की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो ग्रुप दिया हुआ है, अगर आप अभी तक कोई ग्रुप में नहीं हो, 99 नंबर का ग्रुप है जिसकी लिंक मैंने आपको भेजा है, तो आप वो ग्रुप जरूर अटेंड कीजिए और ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और ये लगातार आपके लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी, जैसे सत्संग हमको जैसे रोज करना होता है, रोज मंदिर जाना होता है, रोज पूजा पाठ करना होता है, रोज जो है वो हमारे लाइफ के कुछ रिचुअल्स हम करते हैं, उसी तरह इसको भी एक रिचुअल का भाग ले लीजिए। डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ।